रहमान रहीम, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड स्कूल। इट्स अ लेक्चर 3 पार्ट 2 पेज नंबर 5 और 6 पे देखें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ब्रांच बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स एज वी नो स्ट्रक्चर कंपोजिशन रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। बट इन दिस branch we will study all the changes of structure, composition, reaction of substances inside the living organisms, yani inside living organism ki body ke andar jo metabolism ke mukhtalif reactions ho rahe hain, for example plants or animal ke andar, un sab ki study biochemistry ke andar ki jati hai. Next branch is the industrial chemistry. Is ke andar kya study kiya jata hai? Study of chemical process which involved in the industry to produce different chemicals जो कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया वगैरह, जो मतलब फर्टिलाइजर्स, यूरिया, सोडा ऐश, ग्लासवेयर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी ब्रांच है, दैट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जी हम स्टडी करते हैं चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द न्यूक्लियस। व्हाट आर द मेन चेंजेस विच इन्वॉल्व्ड इन द न्यूक्लियस? यूजली वी स्टडी रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? हम जानते हैं कि एक एटम अगर अनस्टेबल हो जाए, बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ एटम जो अनस्टेबल हो जाते हैं, एज अ रिज़ल्ट वो इमिट करते हैं, कुछ इमिशन करते हैं डिफरेंट किस्म की रेस की, लाइक अल्फ़ा बीटा गामा रेस वगैरह की इमिशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरेनियम एक अनस्टेबल एटम है जो ऐसी रेडिएशन को पास आउट, तो उनकी स्टडी रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, विच इज़ ड्यू टू द चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस। एटम क्या होता है जी? एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में सराउंड करते हैं। रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, अनस्टेबल होता है एज अ रिजल्ट, और वो रेडिएशन को पास आउट करते हो, तो इसकी स्टडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। नेक्स्ट ब्रांच है जी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? इसके अंदर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स का अफेक्ट जो, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का अफेक्ट एनवायरमेंट के ऊपर जो विच मे कॉज डिफरेंट किस्म के पोल्यूशन, लाइक वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वगैरह को कॉज करती है। इन सब की स्टडी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। लास्ट हमारी ब्रांच है जी पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री यूजली कंसर्न विद द पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होती है जी? डिफरेंट किस्म के मोनोमर जो है वो कंबाइंड करके जी एक प्रोसेस के जरिए डिफरेंट पॉलीमर्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। लाइक पीवीसी के बारे में मैं पढ़ा था जो कि प्लास्टिक्स वगैरह बनाते हैं, पेपर इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स के जरिए हासिल की जाती है। आपका होम टास्क है लर्न एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। थैंक्स।